आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में। विटामिन, कुछ विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ विटामिन जो वाटर में घुलते नहीं हैं, ये घुलनशील नहीं होते हैं। फैट वाटर सॉल्युबल, आगे हमारे पास विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स। बी कम्प्लेक्स मतलब कि बी कम्प्लेक्स में जितने भी हमारे विटामिन आगे, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी ट्वेल्व। और फैट सॉल्युबल हमारे पास आगे ए डी ई के, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, कीड़ा, इसका उल्टा ऑपोजिट लिख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वाटर सोलेबल विटामिन्स और फैट सोलेबल विटामिन्स के ऊपर बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी के साथ ही एक्सक्रीट हो जाता है। विच विटामिन एक्सक्रीट बाय द यूरिन, बी एन सी। सेकेंड है कि हमारी सेकेंड क्वेश्चन है कि सब्जी को धोने से कौन से विटामिन निकल जाते हैं, विटामिन बी और सी। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन नॉट बी स्टोर इन ह्यूमन बॉडी। तो वो भी आगे हमारी कौन से विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, विटामिन बी एंड सी। ह्यूमन बॉडी स्टोर इन विटामिन ए डी ई एंड के। फैट सोलेबल विटामिन ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। और लास्ट है, एक ही विटामिन स्टोर इन ह्यूमन लीवर, विटामिन कैन बी फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी के डी एंड बी ट्वेल्व। बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो ई कोलाई। थैंक यू।